हाय फ्रेंड्स, तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल कोरिलेशन अप्रोच क्या है और कैसे हम एक वेरिएबल को पार्शियल को आउट करते हैं। वो वेरिएबल हमारा या तो डायरेक्टली मेजर्ड नॉन वेरिएबल हो सकता है, किसी भी तरह से आप इनको मेजर कर लीजिए, या वो लेटेंट वेरिएबल हो सकता है, जैसे सोशल डिजायरेबिलिटी। अभी सोशल डिजायरेबिलिटी एक वेरिएबल है मार्कर, और इस तरह के बहुत सारे स्टडीज़ में बहुत सारे लोगों ने वेरिएबल लिए हैं। इसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं कि किसको पार्शल किसको मार्कर वेरिएबल हम बोलें, उसके कुछ क्वालिफिकेशंस भी हैं। एक अलग अप्रोच थी कि जिसमें हम बोलें कि हमारे पास तो अनमेजर्ड है, लेटेंट है, और वो इन्हीं स्टेटमेंट से ही मिलके बनता है। तो आइए अब इन तीनों इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सो टू स्टार्ट विद द डायरेक्टली मेजर्ड जनरल फैक्टर, जो सबसे पुराना है, ये दिया था पोडस्कोफ ने 1985 में। तो इनका ये प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशन यूज़ नहीं करना, एक फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, और जो फैक्टर आ जाए उसको आप पार्शियल कोरिलेशन यूज़ करके उसके इफेक्ट को अंडू कर दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इसमें ये है, सबसे पहले तो कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो है नहीं जो डिफाइन करे कि कितना इफेक्ट पहले कितना था और अब कितना आ गया है। वो तो हम चेक नहीं कर रहे, विद और विदाउट वाला तो पता नहीं लग रहा सही में कितना हुआ। सेकेंडली, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। यानी अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत सारे हैं तो आप देखिएगा पहला फैक्टर, हालांकि EFA बना ही ऐसे है कि पहला फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन जितनी कम स्टेटमेंट होंगी ना, पहला फैक्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाएगी। अगर 40 स्टेटमेंट है तो उसका रफली पहले फैक्टर का टोटल वेरियंस एक्सप्लेन्ड आपका आएगा 30% 40%, लेकिन अगर 8 ही स्टेटमेंट है तो 60-70% भी पहला फैक्टर का वेरिएशन एक्सप्लेन्ड हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो खुद ही इसके ऊपर बाइस्ड है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपने स्टेटमेंट में लिए हैं, ये भी एक इशू है। थर्ड, इससे मेजरमेंट एरर की ओर हमने इतनी सारी बात की कि कंसिस्टेंसी मोटिव एक एरर है, सोशल डिजायरेबिलिटी है, नेगेटिव इफेक्टिविटी एक है, वो तो कहीं हमने बात ही नहीं की इसकी, वो भी एक इशू है। फिर एक दिक्कत ये आई कि हमने ये क्यों मान लिया कि जो पहला फैक्टर है उसमें सिर्फ मेथड वेरियंस है, उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो मेन DVIDV, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली उसको अगर हम आउट कर देते हैं, पार्शल आउट कर देते हैं, तो हमारे काफ़ी स्टडी का मेन चीज़ें तो बाहर ही होगी उसमें से। DVIDV उन सब के भी तो इफेक्ट हैं फर्स्ट के अंदर, तो ये हमें कैसे निकाला कि सिर्फ मेथड वेरियंस का ही है। फिर इसमें ओवरऑल बायस्ड आ रहा है इसका, तो ये मेथड तो बहुत ही जल्दी रिजेक्ट हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो स्टार्ट विद एक थिंकिंग ठीक थी कि ऐसा करना चाहिए, पर ये जो तरीका है फर्स्ट फैक्टर को लो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर एक आया कि अच्छा आप एक काम करें, सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्टिविटी ऐसी चीज़ें लीजिए। नंबर वन, तो ये कैसे आपने पता लगाया कि सोशल डिजायरेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे हैं इसके अंदर और वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर। ज़्यादातर स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इनमें हुई हैं, उन्होंने अपने अपने ये दिए हुए हैं। तो शुरू में तो ये दो मान लिए 1980s में, 83-89 के करीब, कि ये चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। बाद में लोगों ने कहा नहीं, इसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी होने चाहिए, जो लिंडल ने 2001 में दिए थे कि ये कुछ क्वालिफायर हैं कि मार्कर वेरिएबल कौन हो। तो सोशल डिजायरेबिलिटी का एक्चुअली एक स्केल आता है, हम स्केल को यूज़ करेंगे, यानी ये एक तरह की अप्रायरी मेथड होगी। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तभी इसको भी यूज करेंगे साथ साथ, और इसके इफेक्ट को फिर बाद में हम पार्शल आउट करेंगे। तो एक ये जर्नल है, जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी, आई थिंक ए या ए स्टार जर्नल है ये, और इसके अंदर ही एक पेपर है, थ्री कॉमन सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल्स। इन्होंने कहा तीन स्केल चेक किए इन्होंने, एक एडवर्ड का, एक जैक्सन का, और एक है क्राउन और मार्लो का। ये क्राउन और मार्लो का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टडीज़ के अंदर, ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। अब ये जो होल्डन है, ये एक अलग ही बात बोल रहे हैं। इनका कंक्लूजन ये है कि जब हमने सबको यूज किया तो सारे सोशल सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल आर इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल। एंड इनका ये कहना है कि ये तो आपका सेकंड ऑर्डर को दिखाता है कि इनको यूज करके सेकंड ऑर्डर को भी आप जा सकते हैं। तो ये अपने आप एक नई चीज़ बोल रहे हैं। खैर, ये क्राउन और मार्लो का बहुत कॉमन है, अगर आप नेट के ऊपर सिर्फ लिखें क्राउन मार्लो स्केल तो ये आपको मिल जाता है स्केल। और इवन एक्चुअली ये एक वेबसाइट मुझे मिली जिसके ऊपर ये दे ही रखा है सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल, और इसकी कीज़ वगैरह भी दे रखी हैं कि कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, आई थिंक ए स्टार है ये जर्नल,
इसका एक पेपर है 1988 का, डेविड वाटसन और ली एना क्लार्क का, ये है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया अपना पेन स्केल। ये 1988 में इन्होंने दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टिविटी का। इसी पेपर में इन्होंने पीडीएफ अवेलेबल है ये, इसी में इन्होंने अपना लास्ट में अपेंडिक्स में स्केल भी दिया है और उसको कैसे यूज़ करना है उसकी कीज भी दे रखी है, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम इनकी क्या आने वाली है कि हमने ये तो मान लिया है कि कॉमन मेथड वेरिएंस आएगा हमारा सोशल डिजायरेबिलिटी या उससे, लेकिन ये जो सरोगेट्स हमने यूज़ किए हैं ना, जो अपने अप्रायरी मेथड से इनको मेजर किया है, दे मे नॉट एडिक्वली टैप अप द होल कॉमन मेथड वेरिएंस। इसका मतलब सिर्फ सोशल डिजायरेबिलिटी ही थोड़ी है कॉमन मेथड बायसनेस। व्हाट अबाउट द कंसिस्टेंसी मोटिव, व्हाट अबाउट द आइटम कंटेक्स्ट, व्हाट अबाउट द प्लेस के कारण जो आते थे वो कहाँ गए, वो कैसे दूर हो गए। सोशल डिजायरेबिलिटी आपने मेजर किया, पार्शल आउट किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत तरह के हमने डिस्कस किए थे सोर्सेज, अगर आपको याद हो, बहुत तरह, चार तरह के हमने सोर्सेज किए थे। पीपल से रिलेटेड हैं, स्केल से रिलेटेड हैं, कंटेक्स्ट आइटम का या मेजरमेंट का कंटेक्स्ट, तो इसमें एक तरह का तो दूर हुआ, बाकी कहाँ दूर हुए, ये एक इशू रह गया। सेकेंडली, इस मेथड में फिर वही है, क्या कभी आपने स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज किया क्या, कि विद और विदाउट में आपने, नहीं, हमने तो सिंपल, यही इसकी सबसे बड़ी इश्यूज हैं। हम ये बोलते हैं कि अच्छा आप सिर्फ ये देख लो कि आपके बीटा पे फर्क पड़ता है क्या, 0.2 पे देख लो। अब ये तो आर्बिट्रेरी फिगर आ गई ना, कि कैसे देख लो कितना बीटा लेना चाहिए, कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट तो नहीं हमने यूज किया ना, ये भी इसका एक इशू आ जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कन्फाउंडिंग भी हो रहा है, आपने जो सोशल डिजायरेबिलिटी मेजर किया उसको आप पार्शल आउट कर रहे हैं, सही है यहाँ तक। अब वो जो सोशल डिजायरेबिलिटी है, क्या वो खुद में किसी और बायस की वजह से इफेक्ट हो सकता है, आपको समझ आई ये बात। अगर मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, और फिर मैंने कहा सोशल डिजायरेबिलिटी एक मार्कर वेरिएबल है जिसके इफेक्ट को मैं कम करूंगा, खत्म करूंगा पार्शियल कोरिलेशन से, व्हाट अबाउट अगर सोशल डिजायरेबिलिटी है वो खुद ही कन्फाउंडेड है, खुद ही इफेक्ट हो रहा है, फिर तो बहुत ही गलत होगा ना, उसका जो आप इफेक्ट को खत्म करेंगे वो रियल इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे, ये भी एक इश्यू रह गया। मेजरमेंट एरर के बारे में कुछ नहीं बोलता, और इतने तरीके हैं उनका क्या हुआ ये उस पर बिल्कुल साइलेंट है। ओके, एक हमारा अलग से निकल कर आता है अनमेजर्ड लेटेंट फैक्टर, जो प्रोफेसर गैस्किन ने, जिसका प्लगइन भी बनाया है और बहुत पॉपुलर किया है इसे। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स ये हैं, सबसे पहले तो इससे हमें किसी कॉज का तो नहीं पता लगा। हमने, आपको याद हो, मैंने कहा था कि हमने मान लिया कि कुछ तो है जो इफेक्ट कर रहा है, क्या है वो जो इफेक्ट कर रहा है वो तो हमें पता ही नहीं लगा। हमने कंस्ट्रक्ट बनाया जिससे हर आइटम के ऊपर, अलग अलग कंस्ट्रक्ट के आइटम्स के ऊपर एरो जा रहा है, तो हमने तो एक ओवरऑल बना दिया, वो क्या है, उसका नाम क्या है, कैसे इफेक्ट है, हमें नहीं पता। सेकंड, इसमें एक इशू ये भी आता है कि आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। अब अगर आपने एमओएस पे काम किया है तो वहाँ पर ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, द मॉडल हैज़ बीन अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी वो जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इशू आ जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एरो लगा दीजिए ना, तो ये ओवरफिट अंडरफिट वो वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये भी मेथड यूएलएमसी वाले बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो ये जो इनिशियल थे ना, कि सोशल डिजायरेबिलिटी को ले लीजिए, पेनस को ले लीजिए, अनमेजर्ड लेटेंट फैक्टर को ले लीजिए, या ईएफए का फर्स्ट फैक्टर, ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किए और आपको इस पे बहुत पेपर भी मिलेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और इसका लास्ट फैक्टर हो गया हमारा, दैट मेथड फैक्टर डज नॉट इंटरेक्ट विद द प्रिडिक्टर और द कंस्ट्रक्ट। इसकी भी हम थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे कि जो मेथड का बायस का इफेक्ट है, वो इफेक्ट कहाँ आ रहा है। देखो, इसको यूँ समझें, मैं काम कर रहा हूँ सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी, तो लेकिन जब मैं एज रिस्पोंडेंट आपके पास आया, आपने तो आइटम भरे हैं ना, आपने तो स्टेटमेंट पे आंसर दिए ना आपने, तो आपका जो बायसनेस है वो स्टेटमेंट वाइज आ रहा है या पूरे सेटिस्फैक्शन के लिए बायसनेस आ रहा है, कंस्ट्रक्ट वाइज आ रहा है या आइटम पे आ रहा है, ये एक बड़ी, आगे हमें डिटेल में इस पर बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम रुकते हैं और आगे हम बात करेंगे मार्कर वेरिएबल की डिटेल में। थैंक यू।